गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ रंजन आपका एसएसटी टीचर फिर एक बार क्लास नाइन्थ के एक नए वीडियोस में, जिसमें हम क्लास नाइन्थ के सिविक्स की बात करेंगे। इससे पहले हमने आपको कई सारे पार्ट्स भेजे हैं, ये हमारा चौथा पार्ट है और इस टॉपिक का नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बच्चों, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैंने कहा कि इसके नाम से यह स्पष्ट है कि इलेक्शन की बातें हैं। पिछले वीडियोज में बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी जिसमें हमने बात की थी कि इंडिया में चुनाव होते हैं और किस तरह से डेमोक्रेसी मेंटेन है। आज जो हम बात करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इंडिया में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, या इंडिया में अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व करना पड़ा है तो क्यों, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व है, किसके लिए है, इन सब की बात हम करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नॉमिनेशन की, कि भाई इलेक्शन में जाने के लिए पहला प्रोसेस है नॉमिनेशन। फिर हम नॉमिनेशन में और क्या होता है तो उसमें हम बात करेंगे इलेक्टोरल प्रिपरेशन की, दूसरा नॉमिनेशन की, और तीसरा विथड्रॉ नॉमिनेशन की। तो इन बातों को समझने के लिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहला कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ज्योग्राफिकल एरिया है, एक खास जगह जहां के वोटर्स किसी एक को चुनते हैं, किसी एक को चुनते हैं, किसी खास एरिया के रहने वाले वोटर्स या वो लोग जो कि 18 साल से ज्यादा के हैं, जब वो अपने एरिया से किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, इसी को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा। जैसे सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी एमपी की होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। उससे छोटा होता है एमएलए, जिसको हम लोग विधायक भी बोलते हैं, और उससे छोटा होता है पंचायत के मुखिया का, पंचायत का जहां से मुखिया चुन के आता है। उससे भी छोटा होता है वार्ड का, जो गांव में होता है, जो 4-5-10 घर के घर या 15 घर में कोई एक वार्ड चुना जाता है। तो सबसे छोटा वार्ड और सबसे बड़ा एमपी, जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हिंदी में सांसद कहते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए मेरे साथ एक एग्जांपल पे आप आए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में तीन तरह के बर्तन होते हैं, एक कटोरी, एक कटोरा और एक थाली, एक कटोरी, एक कटोरा और एक थाली, तो क्या तीनों की कैपेसिटी बड़ी नहीं है? बिल्कुल है। थाली बहुत ज्यादा चीजों को अपने अंदर रखती है, कटोरा छोटे कम चीजों को, और कटोरी सबसे कम चीजों को अपने अंदर रखती है। और यही कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि आप कितने दूर के एरिया को कवर करते हैं। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही आदमी चुन के आएगा, चाहे वो छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो या बड़ी। अब दूसरा बात आता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। व्हेन इंडिया गेट फ्री that time there is multiple of things that we have to solve. One of the major problem is that the people of India, they are not in a equal position. So to make them equal, we have take some decision in which we give some reservation to SC/ST community, so that they can come and work with us. This is started for only 10 years, but still now the reservation is going on. Students, these reservations give facility to those people, they are in the rural area, they are in the last stage of the development, and they come up with the help of reservation and they rule our country, they make law for those people, they are from their own communities. ये जो हमारा reservation है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। इसलिए उस गरीब इंसान को, वो जो सबसे नीचे बैठा था, वो सीढ़ी के सबसे नीचे बैठे इंसान को ऊपर लाने की बात उसने की है, हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाने का मौका दिया है। तो अब जो है ये रिजर्वेशन है, इसको बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, कोई जो है इसको सही मानता है, कई लोग इसको गलत मानते हैं। ये आपको समझना है कि क्या सही है क्या गलत है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके लॉसेस क्या है, इसको समझने के बाद आपको ये समझ में आएगा। आपको ये समझ लेना होगा कि सोसाइटी जब भी डेवलप होती है, तभी होती है जब सभी का डेवलपमेंट हो। सो आपके सोसाइटी में कोई एक वर्ग पीछे रह जाएगा, कोई एक सेगमेंट पीछे रुक जाएगा, तो वो पूरे समाज के लिए घातक होगा। तो हमें अपने सोसाइटी के सभी लोगों को आगे लेके चलना है, सबको साथ लेके चलना है, और इसके लिए रिजर्वेशन अच्छी व्यवस्था है। अब जो ये रिजर्वेशन है, वो इंडिया में एमपी के लिए, एससी और एसटी के लिए अलग है। इंडिया में 84, बच्चे डाटा देखें, 84 सीट्स
एससी के लिए शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है और 47 सीट एसटी के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है। ये 84 और 47 इन सीट्स के बल पे आज हमारे एससी एसटी भाई हमारे साथ पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए रूल फ्रेम करते हैं, उनकी डिमांड को राइज करते हैं और आज बहुत ज्यादा डेवलपमेंट उनके आसपास हुआ है और आगे भी इसको ज्यादा और करने की जरूरत है। इस रिजर्वेशन में एक चीज गलत यह है कि जो रिजर्वेशन है वो हमेशा उसी एससी एसटी को मिल जाता है जो एससी एसटी ग्रो अप कर चुका है, जिसके पापा टीचर है, जिसके पापा जेलर है, जिसके दादाजी बहुत बड़े बैंक ऑफिसर हैं, उन्हीं का बच्चा फिर से रिजर्वेशन का फायदा लेके आगे चला जाता है। ये गलत है। एससी एसटी का शोषण एससी एसटी ही कर रहा है। मेरे गांव में कई ऐसे एससी एसटी हैं जो कल भी पत्थर ढोते थे, ईंट तोड़ते थे, आज भी ईंट तोड़ते हैं, आज भी उनके पास पक्का मकान नहीं है, उसके घर के लोग आज भी ट्रैक्टर पे घूमते हैं, ट्रैक्टर पे घूमकर और ईंट ढोने का काम करते हैं, मछली मारना, गाय पालना, यही जीवन है। और आज हमारे मुलायम ये रामविलास पासवान एक ऐसे एससी एसटी है जिनके पास अरबों खरबों की दौलत है, लेकिन वो भी रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं। तो एससी एसटी को समझना होगा कि हमारा शोषण, हमें जो परेशान कर रहा है वो कोई और नहीं, वो एससी एसटी कर रहा है जो पहले से पढ़ लिख गया है। अब संविधान को बदलने की जरूरत है। जिनको एक बार सब कुछ मिल चुका है, जिनका अर्निंग बहुत ज्यादा हो चुका है, उनसे छीन कर ऐसे एससी एसटी को ये देने की जरूरत है जिनके पास अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिनके घर में अभी भी। मैं एससी एसटी कम्युनिटीज में जाता हूं, मेरे कई सारे मित्र हैं, मेरे कई प्रोग्राम चलते हैं, वहां मैं जाता हूं, मैं देखता हूं सुअर पालन होता है, उनका घर मिट्टी का है, टूट रहा है, गिर रहा है, बरसात होने लगती है तो उनको लगता है कि आज हम बचेंगे कि नहीं, घर रह जाएगा कि नहीं। तो अभी उन लोगों की जरूरत है, उन तक पहुंचने की जरूरत है। खैर, अब हम जो है इसके आगे जो पढ़ेंगे वो है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन करते वक्त हम नॉमिनेशन करते हैं, नॉमिनेशन में कुछ प्रोसेस है, जैसे मैंने आपके लिए कहा है कि भाई डिटेल देना होता है, डिटेल ऑफ द क्रिमिनल केस कि आपके ऊपर कितना क्रिमिनल केस है, डिटेल ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि आपने कितना पढ़ाई किया हुआ है, डिटेल आपको देना होता है कि आपके पास एसेट्स कितना है या आपके फैमिली में कितना पैसा है। यही डिटेल लालू प्रसाद यादव को आज जेल तक पहुंचा दिया। लालू जी ने अपने डिटेल में जो डाटा दिया था वो बहुत कम था और जो अभी का डाटा है वो बहुत ज्यादा है। दोनों के बीच में इतना गैप है कि उनको 100 काउज का नोटिस दिया गया और जब वो उसको प्रूफ नहीं कर पाए तो वो जेल चले गए। अभी हम इन सब चीजों पे बात और करेंगे, लेकिन अपने अगले वीडियोस में। तब तक आप अपने घर में मम्मी पापा या जो भी भैया आपके एजुकेशन में जुड़े हुए हैं उनसे इस पर डिस्कशन कीजिए। थैंक यू बच्चों।